पैसे ट्रांसफर करने के काफी सारे तरीके होते हैं, उन्हीं में से एक तरीका है चेक। चेक भरना काफी लोग नहीं जानते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेक भरते हैं तो कुछ ऐसे गलती कर देते हैं जिससे उसका चेक है कैंसिल हो जाता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप चेक को फिलअप करेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैंसिल चेक क्यों लिया जाता है और कैंसिल चेक कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक। चेक को फिलअप करने से पहले, चेक को भरने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे सबसे पहले है आपके डेट, मंथ और ईयर का कॉलम। इसमें आपको सबसे पहले डेट डालनी पड़ती है। डेट डालने के बाद आपको इसमें जो डेट डाला जाएगा उससे वहाँ उस डेट से लेके अगले 3 महीने तक ये चेक का वैलिड रहता है, ये चेक एक्सपायर नहीं होगा। 3 महीने के बाद ये चेक एक्सपायर हो जाता है, ये चेक कोई काम का नहीं रहता। डेट डालने से लेके 3 महीने तक आप इस चेक से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। डेट के बाद जो 3 महीने पूर जाएंगे चेक एक्सपायर हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, इस चेक से आप पैसे निकाल नहीं सकते। तो इसमें आप डेट डाल के 3 महीने तक इसको कभी भी इसको चेक को यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे आपको पे का। अगर आप चेक से खुद पैसे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ। अगर आप किसी को दे रहे हैं, किसी के नाम से चेक बना रहे हैं तो उस पर्सन का यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे किसी आदमी को आप ये चेक बना के दे रहे हैं तो उस आदमी का नाम आप यहाँ पे के बगल में लिखेंगे, या कंपनी को दे रहे हैं या जिसका भी दे रहे हैं तो यहाँ पे उस कंपनी का या उस पर्सन का यहाँ पे आप पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपको रुपीस का। कितने पैसे की आप चेक बना रहे हैं उसका पूरा यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे। जैसे आप 10,000 की चेक बना रहे हो तो आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं 10,000 रुपीस ओनली। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे आपको रुपीस का। यहाँ पे आपको 10,000 का चेक अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको अंक में लिखना है कि 10,000 रुपया यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होता है। काफ़ी लोग ये करते हैं कि सिग्नेचर जो है यहाँ पे नीचे कर देते हैं जिससे उसका चेक है कैंसिल हो जाता है। तो आपको जो है सिग्नेचर नीचे नहीं करना है, बल्कि ये जो नेम लिखा हुआ है इसके ऊपर में यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। नीचे यहाँ पे आपका चेक नंबर होता है। अगर आपसे कहीं भी चेक नंबर मांगा जाता है तो आप यही वाला जो लिखा हुआ है 422661 तो ये चेक नंबर आप उसको देंगे। आगे यहाँ पे आपको MICR कोड है ये वाला। इसके बाद अगला जो है यहाँ पे RBI अकाउंट नंबर ये वाला आपका हो जाता है। यहाँ पे ये जो है आपको 31 जो लिखा हुआ है ये ट्रांजैक्शन आईडी होता है। तो चलिए ये चेक को हम फिल करते हैं। आज का जो भी डेट है वो डेट यहाँ पे हम डाल देते हैं। जैसे आज डेट है 28 फरवरी, तो यहाँ पर डाल देते हैं 28, यहाँ पे 02, और जो ईयर है 2021 मैं इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये डेट आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है पे का। आप जो है खुद निकाल रहे हैं पैसे तो यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे। अगर आप किसी पर्सन को दे रहे हैं, किसी कंपनी के नाम से चेक बना रहे हैं तो उस कंपनी का, उस पर्सन का नाम यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई पर्सन का नाम डाल दिया हूँ जिसको हमें चेक देना है, तो इस तरीके से यहाँ पे नाम पूरा डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आप रुपीस लिखेंगे कि आप कितने का ये आप चेक बना रहे हैं, वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में या हिंदी में कुछ में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो लिख देना है, इसके बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे आपको लिख देना है कितना क्या आपका बना है। यहाँ पे अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होते हैं। सिग्नेचर आप वैसे ही करेंगे जैसे आप बैंक में किए हुए हैं, तभी ये वैलिड होगा, नहीं तो ये फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है। अब ये चेक पूरी तरह से रेडी है। अब जिसके भी नाम से ये चेक बनाया है उसको दे दीजिए, वो बैंक में जाके इसको कैश करा सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि जो ही पर्सन को ये चेक दिए हैं वो जो है कैश ना ले, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 लाइंस बना देनी है जिससे ये होगा कि वो पर्सन कैश नहीं ले सकता है, वो उसके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप लाइनिंग घिस देते हैं तो इससे ये मतलब होता है कि वो पर्सन इससे कैश नहीं निकाल सकता है, वो पर्सन जो उसके अकाउंट में ये पैसे जो है लिखा हुआ वो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ पे आप ACP भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 लाइन खींचना ही काफ़ी होता है।
आपको जो बैंक में चेकबुक मिलती है उसमें आपको रिकॉर्ड स्लिप भी मिलती है। रिकॉर्ड स्लिप में आप अपने चेकबुक बनाए गए स्लिप का उसमें आप अपना इसमें अपना रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये चेक बनाया है तो इसका हम रिकॉर्ड भी इसमें रख सकते हैं। जैसे यहाँ चेक नंबर हुआ तो आपको यहाँ पे चेक नंबर लिख देना है, इसका जो भी डेट आप दिए हुए हैं वो डेट आप इसमें डाल के रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है फेवर, किसके फेवर में आप ये चेक बनाए हैं उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे कि आप कितने का ये चेक बनाया हुआ है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देनी है। बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इन फ्यूचर अगर आप कभी भी इस चेक को अगर कैंसिल करवाना चाहते हैं, रुकवाना चाहते हैं, तो वो जो आप यहाँ पे रिकॉर्ड रखे रहेंगे वो जाके बैंक में अगर दे देंगे तो वहाँ पे कैश नहीं करा सकता है, उसके बैंक में पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये होता है रिकॉर्ड स्लिप का मतलब, यहाँ पे जो भी चेक नंबर वगैरह लिख के रखेंगे उसको आप स्टॉप करा सकते हैं, उसको कैंसिल भी करा सकते हैं, उस पर्सन को जो है कैश नहीं मिलेगा, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होगा। अब बात करते हैं कैंसिल चेक क्या होता है, कैंसिल चेक कैसे बनाए जाते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। कैंसिल चेक का मतलब होता है कि एक चेक लेंगे उस पर कैंसिल लिखेंगे और लाइनिंग खींच के यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे तो इसको कैंसिल चेक बोला जाता है। कैंसिल चेक को आपको कई जगह पर डिमांड किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है कि आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना। जैसे आप CSE का फॉर्म वगैरह भरिएगा तो वहाँ पर कैंसिल चेक का ऑप्शन आता है, वहाँ पर कैंसिल चेक देना पड़ता है, क्योंकि चेक पे आपका अकाउंट नंबर, आपका जो ब्रांच है उसका पूरा एड्रेस, आपका सिग्नेचर, इसके बाद जो भी आपका चेक नंबर है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं, अकाउंट वगैरह भी आ जाता है। इसीलिए कैंसिल चेक मांगा जाता है ताकि उसके अकाउंट को वेरीफाई किया जा सके। इसीलिए आपके बैंक के सभी डिटेल को वेरीफाई करने के लिए आपसे कैंसिल चेक मांगा जाता है। दूसरा पर्पस होता है कैंसिल चेक का आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करने का। उस जगह पर कैंसिल चेक इसलिए मांगा जाता है ताकि आपके सिग्नेचर को वहां पे वेरीफाई कर सके। तो यही दो रीजन होते हैं कैंसिल चेक को लेने के, या तो आपके बैंक के डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है या आपके सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है। कैंसिल चेक बनाना बहुत ही इजी होता है, बस उस पर आप लाइन खींच दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कैंसिल, तो ये हो जाता है आपका कैंसिल चेक और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। यहाँ पे भी ये चेक मांगा गया है, वहाँ पे ये चेक आप बहुत ही इजीली उसको दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप कोई भी चेक इजीली फिल कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि आप चेक कैसे भर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई चेक देता है तो उससे आप पैसे कैसे निकालेंगे। पहले आपको चेक के कॉर्नर पे ये देखने होगा कि चेक के कॉर्नर पे क्रॉस लाइन तो नहीं है। अगर चेक के कॉर्नर पे क्रॉस लाइन नहीं है तो आप उसको कैश भी करा सकते हैं। तो आपको ये करना होगा कि आपको एक आईडी पे उसको एक आईडी का फोटो कॉपी करा के आप उस चेक के साथ आपको बैंक ले जाना होगा। तो बैंक में आपको वो अमाउंट दे दिया जाएगा जो चेक पे जो अमाउंट भरा हुआ है। अगर चेक के कॉर्नर पे क्रॉस लाइन है तो आप उसको कैश नहीं करा सकते हैं, बल्कि आप अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें आप लगा सकते हैं। तो आपको ये करना है कि बैंक में जाना है, वहाँ पर आपको जो पैसे निकालते हैं उसको वहाँ पे एक स्लिप मिलता है, वो स्लिप लेके उसको फिलअप करना है और वहाँ पे एक टिक लगा रहता है चेक का, उस पर आपको टिक लगा देना है। इजीली आप उस फॉर्म को भर के चेक जो है उसके साथ लगा के आप जो बैंक में जमा कर देंगे तो इजीली आपके जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।